भारत, जिस नाम के साथ जुड़ी है 7000 सालों के इतिहास, और दूसरी तरफ है इंडिया, जिस नाम के साथ जुड़ी है 200 सालों की गुलामी, कत्लेआम और आजादी की लड़ाई। पिछले कुछ दिनों से एक शब्द बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में चल रही है। हर कोई अपना विचार सामने ला रहे हैं और ऑपोजिशन की मानो रातों की नींद उड़ चुकी है, और वो शब्द है भारत। Going to be renamed. There's a lot of buzz around this question. Many believe India could soon become Bharat. इस कंट्रोवर्सी के पीछे एक इनविटेशन कार्ड है। इस साल यानी 2023 के 6 सितंबर में G20 का एक डिनर इनविटेशन कार्ड निकलती है, जहां आने वाले डिग्निटरीज को भारत के प्रेसिडेंट के साथ डिनर पे इनवाइट किया गया था। इसी इनविटेशन कार्ड में बड़े बड़े अक्षरों में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। हमने बचपन से ये देखा है कि कोई भी सरकारी दलील दस्तावेजों में इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखी रहती है, पर इस बार क्या हुआ कि इंग्लिश में भी भारत लिखी गई। G20 समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने के फलक में भी इंडिया की जगह भारत लिखी गई थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये रूलिंग पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है ऑपोजिशन के इंडिया अलायंस के खिलाफ, और क्या हमारे देश का नाम ऑफिशियली इंडिया से भारत बन जाएगी? और अगर हमारे देश का नाम बदल जाती है तो क्या इसरो, IIT, SBI, IIM, गेल, भेल, BCCI, मुंबई इंडियंस, वोटर कार्ड और आधार कार्ड भी चेंज हो जाएगी? और क्योंकि हमारे देश के करेंसी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखी है, तो क्या हमें फिर से लाइन में खड़े होने पड़ेंगे? और मजे की बात यह है कि एक देश इस कॉन्ट्रोवर्सी के आड़ में ताक लगाई बैठी है कि कब भारत का नाम चेंज हो जाएगा और वो खुद का नाम इंडिया क्लेम कर लेंगे, और वो देश है पाकिस्तान। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो। भारत और इंडिया में सबसे पुराना नाम है भारत की। हिंदू धर्म के दो एपिक्स यानी रामायण और महाभारत में भरत और भारत का मेंशन किया गया है। रामायण में जब श्रीराम 14 सालों के लिए वनवास में चले जाते हैं, तब उनके छोटे भाई भरत उनके अनुपस्थिति में अयोध्या को राज करते हैं। पर हमारे भारतवर्ष का नाम इन भरत से नहीं हुआ है। महाभारत के आदि पर्व में ये मेंशन है कि चंद्रवंश के राजा दुष्यंत और उनके पत्नी शकुंतला का एक बेटा हुआ था जिनका नाम था भारत, जो बाद में जाकर चक्रवर्ती सम्राट बने। विष्णु पुराण में इनके राज्य का एक एस्टिमेशन बताई गई है, जो है उत्तरंग यत समुद्रस्य हिमाद्रिश्व दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीयत्र संतति। यानी समुद्र के नॉर्थ में और हिमालय के साउथ में जो राज्य है उसे भारत कहते हैं, और वहां के बच्चों को भारतीय कहा जाता है। माना जाता है कि राजा भारत पांडव, कौरव, बृहद्रथ और जरासंध के पूर्वज थे, और इनके वंशज हम यानी आज के भारतीय हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर हमारे देश का नाम राजा भारत से आया है तो हम भारत माता की जय क्यों कहते हैं? जब अंग्रेज भारत पे राज कर रहे थे और भारतीयों पर टॉर्चर कर रहे थे और उनके रिसोर्सेस की शोषण कर रहे थे, तब 1873 में बंगाल के एक फ्रीडम फाइटर किरण चंद्र बंदोपाध्याय ने भारत माता नाम के एक नाटक को रचना करते हैं। धीरे धीरे फ्रीडम फाइटर्स इस नाम को अपने नारों में इस्तेमाल करने लगते हैं, और आम भारतीय अपने देश को एक माँ की तरह देखने लगते हैं। ये तो रही भारत नाम की इतिहास। अब जान लेते हैं इंडिया नाम के इतिहास को। ये नाम एक दिन में नहीं आया है, इनफैक्ट इस नाम का कोई स्पेसिफिक मतलब भी नहीं है। अगर आप भारत के नक्शे के नॉर्थ वेस्ट में देखोगे तो आपको सिंधु नदी देखने को मिलेगी, जो करंटली पाकिस्तान में है। ऐतिहासिकों के मुताबिक इसी नदी के पास शुरू हुई थी प्राचीन भारत की सभ्यता, जो कि बड़े मात्रा में देश विदेश में व्यापार करते थे। सबसे ज्यादा व्यापार पर्शिया, जो कि प्रेजेंट डे ईरान है, उससे होती थी। पर्शियंस स अक्षर को प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने सिंधु से स हटा के ह जोड़ दिया और उन्हें हिंदू कहने लगे। बाद में ग्रीक्स आए, जो इसे इंडस बुलाने लगे। इसका रेफरेंस ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस के ज्योग्राफी के किताब में मिलती है। बाद में मेगस्थेनिस की किताब इंडिका से भी हमें इंडिया का पहला रेफरेंस देखने को मिलती है। इसी इंडिया शब्द को वेस्ट के लोग, खासकर अंग्रेजों ने जोरों शोरों से अपनाया। समय समय में भारत का नाम अलग अलग रह चुका है।
धर्मशास्त्र में इसे आर्यवर्त कहा गया है। बाइबल के बुक ऑफ एस्टर में भारत को होडू कहा गया है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में इसे जम्बू द्वीप के नाम से डिस्क्राइब की गई है। जुआन रैंग, जो कि चाइना के एक ट्रैवलर थे जो सेंट्रल एशिया और इंडिया में आए थे, उन्होंने इसे वू इन यानी फाइव इंडीज के नाम से डिस्क्राइब किया था। अल मसूदी ने इसे अल हिंद कहा। मार्को पोलो, जो कि एक इटालियन एक्सप्लोरर थे, उन्होंने इसे ग्रेटर इंडिया, माइनर इंडिया और मिडिल इंडिया कहा। और बाद में 10th सेंचुरी से इसे इस्लामिक अरब और तुर्किक आक्रमणकारियों द्वारा हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ये लिस्ट काफी लंबा है। अब इतिहास के पन्नों को छोड़कर वर्तमान में आते हैं। क्या भारत का ऑफिशियल नामकरण ऑपोजिशन के इंडिया अलायंस के विरोध में किया जा रहा है, या फिर ये भारत का डीकॉलोनाइजेशन स्ट्रेटजी है? डीकॉलोनाइजेशन स्ट्रेटजी का मेन मकसद है पास्ट में कॉलोनाइज हुए किसी देश या फिर इंसान या फिर इंसानों के ग्रुप को, जिनको मेंटली और इमोशनली कॉलोनाइज किया गया था, उनको वापस अपने कल्चर, नॉलेज, ट्रेडिशंस और सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से वाकिफ कराना। फॉर एग्जाम्पल, जब यूरोपियंस अफ्रीका से स्लेव ट्रेड करके उन्हें यूरोप भेजते थे, तो सबसे पहले उनका रीजनल नाम बदल के उन्हें कोई यूरोपियन नाम दे दिया जाता था, ताकि उन पे अपना ओनरशिप जमाया जाए, और धीरे धीरे उनके कपड़े, उनके कल्चर और उनके बैकग्राउंड से भी उन्हें डिटैच कर दिया जाता था। इन्हीं वजह से आप आज भी यूरोप और अमेरिकास में डार्क स्किन्ड लोग देख सकते हो, और इन्हीं वजह से आज भी स्किन के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। भारत में जब अंग्रेज राज कर रहे थे, तब उन्होंने सबसे पहले हमारे नाम बदले, हमारे रिलीजन, हमारे कल्चर, हमारे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस और हमारे नॉलेज सिस्टम को बदले, और हमें वो उनसे छोटा दिखाने लगे। तुम साला गुलाम लोग हमारी जूती के नीचे ही रहेगा। और धीरे धीरे हम अपने आप को उनसे छोटा मानने भी लग गए। अब आप इस वीडियो को देखिए। I don't think they come here to see the Taj Mahal. I think they come here to see foreigners. यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि भारत में अभी भी कुछ सेक्शन के लोग हैं जो गोरों को सेलिब्रिटी की तरह देखते हैं। अब सवाल ये आता है कि भारत का नामकरण करने से क्या सारा डीकॉलोनाइजेशन हो जाएगी? जवाब है जरूर, पर धीरे धीरे। अकॉर्डिंग टू टोपोनोमी, जो कि एक जगह के नामकरण के ओरिजिन को ढूंढता है, एक जगह का नाम मोस्टली हिस्टोरिकल, कल्चरल और फिर इमोशन के बेसिस पे दी जाती है, जो उस जगह के सिटीजन्स में एक सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनर और प्राइड लाती है, जो एक कम्युनल बॉन्डिंग, एक शेयर्ड आइडेंटिटी और हार्मनी बनाए रखती है। भारत का नाम भी भारतीयों के दिल में ऐसे ही इम्पैक्ट कर चुकी है। वीडियो के बीच में हमने देखा था कि कैसे इंडिया का नाम बाहर वालों की दी गई है, जिसे एक्सोनॉमी कहते हैं, जबकि भारत का नाम हमारे अपने लोगों ने ही दिया है, जिसे एंडोनॉमी कहते हैं। पर अगर भारत का ये नाम भारतीयों के मन में इतना ही इमोशनली अटैच रहा, तो फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि नेहरू जी और गांधी जी ने हमेशा से इंडिया का नाम क्यों इस्तेमाल करते थे? इवन नेताजी ने अपने आर्मी का नाम इंडियन नेशनल आर्मी क्यों रखा और भारतीय नेशनल आर्मी क्यों नहीं? इसका मेन कारण है ब्रांड वैल्यू। इंडिया का नाम ब्रिटिशर्स के माध्यम से पूरे दुनिया भर में फैल चुका था, और ये बात फ्रीडम फाइटर्स को अच्छे से पता था। 1949 में जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के संविधान लिख रहे थे, तब उन्होंने इन दोनों नाम को ही अपने जहन में रखकर संविधान लिखे थे, जहां आर्टिकल 1 में ये क्लियरली मेंशन है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां से ही क्लियर है कि इंडिया और भारत दोनों ही भारत के ऑफिशियल नाम है। आज भारत का नामकरण लेके जो कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, वैसे ही एक कॉन्ट्रोवर्सी 1949 में भी हुई थी, जब केवी राव, हरगोविंद पंत, बीएम गुप्ता और केवी कामत जैसे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया नाम से असहमत थे, क्योंकि ये नाम अंग्रेजों ने दी थी तो भारतीयों के ऊपर टॉर्चर और लूट चलाए थे। हमारे देश का संविधान अडॉप्ट किया गया था 1949 के 26 नवंबर को। इसी के 8 दिन पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक डिबेट के आयोजन की इस मुद्दे पे कि भारत का नाम क्या होने वाला है, और डिबेट के आखिर में एक पोल करते हैं जहां इंडिया या भारत, इन दोनों को सबसे ज्यादा वोट मिला, जिसके कारण डॉक्टर अम्बेडकर ने दोनों नामों को ही संविधान में इंक्लूड किया था। और इसी वजह से जब 2016 और 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL की गई ये कह के कि इंडिया का नाम बदल के भारत की जाए, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कहा कि इंडिया और भारत दोनों ही ऑफिशियल नाम है, आप दोनों में से कोई भी नाम कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर के ओथ ले रहे थे, तब उन्होंने कहा था भारत का प्रधानमंत्री,
दूसरी तरफ एचटी देवेगौड़ा जब 1996 में प्राइम मिनिस्टर की ओथ ले रहे थे तब उन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनफैक्ट इंदिरा गांधी ने भी अपने ओथ में भारत का प्रधानमंत्री कहा था। सिमिलरली इंडियन रेलवेज को रीजनल लैंग्वेज में भारतीय रेलवेज, आधार और वोटर कार्ड्स में भारतीय निर्वाचन कमीशन और करेंसी में भारतीय रिजर्व बैंक लिखी रहती है। हाँ, मुंबई इंडियंस का मुझे नहीं पता, वो आप अंबानी को पूछ लो। इतने सारे एग्जांपल्स देने का कारण यही है कि इंडिया और भारत दोनों ही हमारे जहन में गढ़ चुकी है। ऐसा नहीं है कि भारत नाम आ जाएगा तो इंडिया को हम फेंक देंगे, पर पिछले कुछ सालों में करंट गवर्नमेंट जैसे धीरे धीरे अंग्रेजों का चिन्ह मिटा रहे हैं। राजपाथ को कर्तव्यपाद बनाया गया है, नए पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई है, इंडियन नेवी के सेंट जॉर्जेस क्रॉस को हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की रॉयल सील का इस्तेमाल की गई है। 2014 से अब तक गवर्नमेंट ने 1500 से ज्यादा ब्रिटिश कानूनों को खारिज कर चुके हैं। आजादी के 75 साल बाद रिपब्लिक डे के बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के अंग्रेजी हिम अबाइड विथ मी को रिप्लेस करके लता मंगेशकर जी के ए मेरे वतन के लोगों को इंक्लूड किया गया है, जो 1962 के इंडो चाइना वॉर के शहीदों को डेडिकेटेड है। इंडिया गेट के कैनपी में किंग जॉर्ज द फिफ्थ के स्टैचू को रिप्लेस करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू को खड़ा करा गया है, ताकि पूरे भारत को पता चले कि आजादी के लिए कौन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था। और सिर्फ प्रेजेंट गवर्नमेंट ही नहीं, पहले के गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे चेंजेस किए थे, जैसे कि भारत के कई सारे शहरों का नाम जो अंग्रेजों ने अपने अनुसार बदले थे उनको रीचेंज किया गया, जैसे कि बॉम्बे को मुंबई, कलकत्ता को कोलकाता, मद्रास को चेन्नई, वोल्टेयर को विशाखापट्टनम, कानपुर को कानपुर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनफैक्ट कई सारे देशों ने भी कॉलोनियल पर्दे को फाड़ कर अपने देश का नाम चेंज किया है, जैसे कि सेलोन को श्रीलंका, बर्मा को म्यांमार, टर्की को तुर्की, चेक रिपब्लिक को चेकिया, स्वाजीलैंड को एस्वातिनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर क्या मोदी गवर्नमेंट देश का नाम डीकोलोनाइजेशन के लिए चेंज कर रहे हैं, या फिर ऑपोजिशन की इंडिया अलायंस के खिलाफ ये एक पॉलिटिकल मूव है? इसका जवाब है दोनों ही। बीजेपी सरकार चाहती थी कि इस डिसीजन के बाद ऑपोजिशन भारत के नाम के अगेंस्ट जाए, जो ऑलरेडी ऑपोजिशन प्रेशर में आके कर भी रहे। Scared of the India Alliance. No one has the right to change name. Sharad Pawar says why center is getting restless on this. Modi ji, India गठबंधन से डरे हुए हैं। घबराहट है इंडिया, कुछ काप से गए हैं, कुछ डर से गए हैं, उन्हें इंडिया शब्द से नफरत होती जा रही। पर पाकिस्तान क्यों इसका नामकरण से इतना बौखला गया है और जिना का इससे क्या संबंध है, चलिए जान लेते हैं। 1947 के आजादी के एक महीने के अंदर माउंटबेटन जिना को एक आर्ट एग्जीबिशन का इनविटेशन कार्ड भेजते हैं जहां इंडिया नाम मेंशन था। इस वजह से जिना उस इनविटेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। उन्होंने कहा था भारत को कभी भी इंडिया नाम नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इसके बदले भारत को भारत या फिर हिंदुस्तान का नाम दिया जाए, जो उस समय किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। उनका तर्क था कि इंडिया नाम ऐतिहासिक रूप से सिंधु नदी से कनेक्शन रखती है, जो आज पाकिस्तान में लोकेटेड है। तो भारत जब अपना नाम बदलेगा तब वो यूएन से कह के अपने नाम इंडिया क्लेम कर लेगा। आप फिकर मत कीजिए, क्योंकि ये एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। हमने फिजिकली शायद आजादी हासिल कर ली है, पर मेंटली अभी भी कई इंडियंस के अंदर एक इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मौजूद है, जो किसी गोरे के सामने आते ही महसूस होता है। पर दुनिया भर में चंद्रयान 3, G20 समिट और इंडिया के दुनिया भर में टाइज बढ़ने के कारण वो दिन भी दूर नहीं है जब धीरे धीरे भारतीयों को अपने कॉन्फिडेंस वापस मिलने वाला है। एनीवे, इतना दूर तक देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एज अ यूट्यूबर नहीं, एज अ भारतीय मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपको क्या चाहिए, इंडिया या फिर भारत, और या फिर दोनों ही।